सो so, ट्रेडिंग से मैंने आज तक ओवरऑल अबाउट अ करोर वी हैव टचड एंड विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एज वेल हमारा अभी करंट वैल्यूएशन कंपनी का निकल के अराउंड 25 फाइव सी आर विच आई थिंक फॉर मी इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एज ऑफ नाउ तो आपको बहुत लोग मिलेंगे मार्केट में आई वोट टेक द नेम्स पाँच दस परसेंट दिन का बनाओ अगर आप सोचा है हैं टेन परसेंट डे का बना रहे हो दस दिन में आपका कैपिटल डबल हो रहा so, है इट इज़ नॉट पॉसिबल सो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं ना दैट्स द

भाई वेलकम टू डीबीसी पॉडकास्ट सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछना चाहूंगा भाई आपसे कि आपके बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है लाइफ के या बिगेस्ट अचीवमेंट्स अगर आप देखो तो काफी एवेन्यूज में मेरे बिगेस्ट अचीवमेंट है ओके okay. एक ट्रेडिंग वाले एवेन्यूज से हो गया स्टॉक मार्केट वाले एक मेरे पर्सनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी उसके बेसिस पे हो गया सो so, ट्रेडिंग से मैंने आज तक ओवरऑल अबाउट अ करोर वी हैव टचड एंड विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एज वेल हमारा अभी करंट वैल्यूएशन कंपनी का निकल के अराउंड ट्वेंटी फाइव सी आर विच आई थिंक फॉर मी इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट एज ऑफ नाउ सो ये दो को मैं अभी तक अपना बिगेस्ट अचीवमेंट मानता हूँ

अभी आज अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आज मैं दस हज़ार के उससे दस हज़ार बना लूँगा तो ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है वी हैव टू थिंक इट एज अ बिजनेस आप बिजनेस पे आए एक कैपिटल लेके आए मान लीजिए दस लाख का कैपिटल लेके आए आप बिजनेस से दस लाख को बीस लाख करने का नहीं सोचोगे पहले तो आप ब्रेक इवन में आओगे कि यार वो दस लाख ही पूरे जो लगाएं मैंने बिजनेस में उसको रिकवर करूँ एंड आठ से दस परसेंट टेन टू फिफ्टीन परसेंट आप एक्सपेक्ट करते हो राइट right? तो वही होता है ट्रेडिंग में लोग आपको बहुत लोग मिलेंगे मार्केट में आई वॉन्ट टेक द नेम्स पाँच दस परसेंट दिन का बनाओ अगर आप सोच रहे हैं टेन परसेंट डे का बना रहे हो दस दिन में आपका कैपिटल डबल हो रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल तो so, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना दैट इज़ द मेन क्रक्स जो लोगों को खराब करता है वहाँ पे क्विक मनी वाला सीन क्विक मनी गेट गेट रिच क्विक स्कीम जीरो टू हीरो एक से दस चला गया शेयर सस्टेनेबल नहीं है राइट right. मेरे को भी वही चीज़ लगती है कि यार जैसे भी वॉरेन बफेट हो गया जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गया वो लोग ना वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो लोग आज बिलियनर्स है वो लोग ने ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं किया तो इसके ऊपर भी क्या ओपिनियन मेरा ये हमेशा मानना होता है ट्रेडिंग वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है ओके okay. एंड इन्वेस्टिंग वेल्थ अप्रिसिएशन के लिए होता है ओके okay. अब वही वापस उसी पॉइंट पे हूँ एक्सपेक्टेशन वाला चीज़ अगर आज मैं वापस से मार्केट में उतरता हूँ कि यार एक लाख से एक लाख बनाना है तो मेरा माइंडसेट ही खराब हो रखा है

यूट्यूबर्स हो गए या डिफरेंट जो लोग अपने अपने प्रोग्राम सेल कर रहे हैं जस्ट टू सेल देयर प्रोग्राम्स वो आपको हाइप कर देंगे यार दिन का दस परसेंट बनाएंगे पैसे डबल करेंगे hmm. तो आई थिंक दैट्स द मेन प्रॉब्लम विध रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग जो आपको भी आई थिंक कहीं ना कहीं परेशान करता है लगता है एंड अब वॉरन बफे और उन लोग का अगर आप बात करें दे हैड अ वेरी मच एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम फिर वो उस पैसा को कमा के ट्रेडिंग में डाल इन्वेस्टमेंट्स right. uh, में डाल राइट राइट सो अभी बहुत लोग आते हैं बहुत स्टूडेंट्स आते हैं या यू नो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही उनसे वो रहता है आंसर कि अभी जॉब मत छोड़ो कैपिटल लाओ ट्रेड करना स्टार्ट करो मान लो आपका एक लाख सैलरी है हुँ. तो विद दैट वन लाख सैलरी आप जिस दिन वन लाख कमाने लग जाओगे एक महीने की विद ट्रेडिंग हुँ. उस दिन आप जॉब छोड़ सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो हुँ. तो ये भी बहुत चल गया जॉब छोड़ के कॉलेज छोड़ के ट्रेड करूँगा फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा सो ये ना एक ट्रेंड बन गया है अब वो ट्रेंड को मत फॉलो करो जिस दिन आपको ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगा ना उस दिन आप पैसे बना लोगे जिस दिन आपको वो काम बोरिंग लगने लगा अगर मैं उसको वो हाइप में रहा ना कि यार बस पैसे बनाने हैं पैसे बनाने हैं आपको आके वो लोग बोलते होंगे यार ये देख मैंने बोला था सौ का दो हो गया दो का तीन हो गया वो सस्टेनेबल नहीं है सौ का एक सौ वो वो सस्टेनेबल है ओके okay. अच्छा मतलब अगर एवरेज एक्सपेक्टेशन अगर आप मार्केट में डाल रहे हो जैसे कि अगर मैं एक लाख रुपए डाल रहा हूँ अपने इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग करके उससे कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बना सकता महीने का आठ से दस हज़ार 8 से और उसके लिए कितना ये भी दिन... थोड़ा बता दो अगर एक्सप्लेन कर दो ना पहले तो स्कैल्पर्स होते हैं जो एकदम मिनट्स में ट्रेड को क्लोज करते अभी बाई किया वेरी हाई क्वांटिटी ठीक है अभी एक करोड़ कैपिटल के साथ आएंगे दो रुपए बढ़ा बेच दिए एक लाख प्रॉफिट बनाया बेच दिए एक परसेंट बना दैट स्कैल्पर सेकेंड आते इंट्राडे ट्रेडर पूरे दिन भर में बाय और सेल करेंगे नेक्स्ट डे उसको फॉरवर्ड नहीं लेके जाएंगे थर्ड आते स्विंग ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडर्स होते एक दिन से ज्यादा होल्ड करने वाले ओके okay. और लॉन्ग टर्म से कम होल्ड करने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर सेम होते okay, okay. तो ये तीन टाइप ऑफ ट्रेड बाकी फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो गए सब चीजें क्या होती है लेट्स कीप दैट असाइड एज ऑफ नाउ तो इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अब इक्विटी में भी इक्विटी के भी फ्यूचर्स ऑप्शन होते हैं फ्यूचर्स ऑप्शन इज बेसिकली डेरीवेटिव ऑफ़ द मार्केट ठीक है अब निफ्टी बैंक निफ्टी आपको पता है अब आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते हो यू कैन ट्रेड इन डेरीवेटिव ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड दैट इज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑफ बैंक निफ्टी और निफ्टी एंड दैट इज़ वेरी हाईली वॉलोटाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही गवाते हैं आपका ऑप्शन आप देखोगे सौ रुपये से कब एक रुपये आ जाएगा पता नहीं चलेगा और कब दस रुपये से बीस रुपये चले जाएगा वो पता नहीं चलेगा बहुत जल्दी होता है वेरी वालाटाइल मार्केट ओके तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आर डेवेटिवस लोग एक और गलती करते हैं तुरंत आके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जंप कर जाते हैं hmm. तो वो भी नहीं है इक्विटी इज़ समथिंग जो बहुत कम वालाटाइल होता है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट वन परसेंट ये इसका रेंज रहता है फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन का हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट रेंज रहता है तो पहले इक्विटी में आके कैश मार्केट भी बोलते हैं उसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं तो नॉर्मल स्टॉक्स हो गए यार टाटा पावर टाटा मोटर्स आई आर सी टी सी रिलायंस इसको हम लोग इक्विटी स्टॉक्स बोलते हैं तो आपने अगर कभी मार्केट ढंग से देखा होगा तो पता लगेगा कि यार एक परसेंट डेढ़ परसेंट से ज़्यादा नहीं फ्लक्चुएट होता दैट दैट इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड अगर एवरेज फ्लक्चुएशन देखोगे तो पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट फोर परसेंट का होता है ओके तो उस मार्केट में पहले अपने आप को सही बनाओ एंड देन आप

क्यों क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा मुझे लगता है रेगुलेटेड इंडिया में नहीं है हाँ। तो वी शूडेंट गो फॉर विद तो क्यों ऐसा मज़ा रेगुलेट इंडिया उससे फ़र्क क्या पड़ता है जब पहली बात तो थर्टी परसेंट टैक्स स्ट्रेट अवे उसके बाद अब जब आपका मार्केट जैसे आप मान लीजिए टाटा मोटर्स एक स्टॉक लेके चलते हैं ठीक है टाटा मोटर्स का स्टॉक है रिलायंस का स्टॉक है आपको पता है कि रिलायंस के स्टॉक किस बेसिस पे प्लस माइनस हो रहे हैं किस बेसिस पे पॉजिटिव जा रहा है किस बेसिस पे नेगेटिव जा रहे हैं क्योंकि जो वर्किंग हो रही है उस कंपनी के अंदर उसमें कुछ अच्छा हुआ है तो पॉजिटिव जा रहा है उसमें कुछ बुरा हुआ है तो नेगेटिव जा रहा है अब आप बिटकॉइन ले लो आप बिटकॉइन को किस बेसिस पे आप जज करोगे खाली चार्ट के बेसिस पे आप तो चार्ट के बेसिस पे जज कर सकते हो बट एक्यूरेट उतना नहीं रहेगा राइट आप वही रिलायंस के स्टॉक को अगर लेके चलोगे तो आपको पता है कि इंटरनली क्या हो रहा है उसके क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छे आए हैं या रिलायंस ने कोई अच्छी कंपनी एक्वायर की है तो वो सारी चीज़ों के कारण ऊपर चला गया स्टॉक अब बिटकॉइन ऊपर गया तो आपके पास क्या रीज़न क्या है देर इज़ नो रीज़न टू दैट राइट तो मुझे लगता है कि एक बैकिंग होना चाहिए हर एक चीज़ का

बहुत तरीके से बहुत लोग आपको बताएंगे हजार तरह के इंडिकेटर्स है मार्केट में हजार तरह के चार्ट रीडिंग है मार्केट में वही वो मेरे को देख के फिर ऐसा लगता है यार कुछ भी हो रहा है मतलब राइट <laughs> आपको अपना एक सेटअप बनाना है हाँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पे से मेरा सेटअप बना हुआ है एंड दैट सेटअप इज फिक्सड मैं ज्यादा छेड़कानी नहीं करता उस सेटअप में मुझे कोई ट्रेड मिला तो मैं ट्रेड करूंगा वरना नहीं करूंगा कुछ सेटअप है कि यार इस लाइन के ऊपर जाएगा तो ऑयल टेक अ ट्रेड इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो आई टेक अ ट्रेड ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चीज होता है देखो मोस्ट ऑफ़ दू ट्रेड राइट दे ट्रेड ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस तो हंड्रेड परसेंट वर्क तो करता ही है बट एक्यूरेसी अराउंड सेवेंटी फाइव एटी परसेंट होती है तभी हमेशा अगर एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट हो गई तो यार लोग ही उसमें उतर जाएंगे राइट right? तो, मुझे ऐसा लगता है यार ये ट्रेडिंग ऐसा आप फ्यूचर प्रोडक्ट करने जैसा होता है मुझे ऐसा कैम गैमलिंग जैसा लगता है ये चीज़ तो इसके ऊपर क्या ओपिन है मुझे ऐसा लगता है यार देखो हम डाल रहे हो मुझे नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 100%. आप थोड़ा बहुत सिर्फ तुक्का लगा सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा सॉलिड नहीं है कि उसके पीछे कुछ सॉलिड फिर भी तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन हाँ अब देखो इसमें भी मान लीजिए मैंने एक लाख रुपए डाले जैसे मैंने आपको बताया मंथ में भी एक्सपेक्ट आठ से दस परसेंट ठीक है अब जब डेली ट्रेड ले रहे हो ना आप तो आपके एक स्टॉप लॉस बोल के कॉन्सेप्ट होता है हाँ हाँ। कि उस प्राइस पे आते आपको ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा आपका प्राइस एंड आप लॉस ज्यादा नहीं करोगे वहाँ स्टॉप हो जाएगा आपको स्टॉप लॉस एक टारगेट होता है अपना जो मेरे को टारगेट पर निकलना है तो उसमें एक रिस्क टू रिवॉर्ड बोल बोलकर एक चीज होती है जिसको हम लोग वन इज़ टू तो थ्री रेशियोज़ में रखते हैं कि अगर एक रुपये का रिस्क लेंगे तो तीन रुपये का रिवॉर्ड मुझे चाहिए इट इज़ यू नो वर्केबल इन दैट सेंस अब अगर कोई uh, ट्रेडर अगर आता है मार्केट में तो उसको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये फॉलो करना है रिस्क टू तो रिवॉर्ड अब मान लो यार मैं एक, एक लाख से ट्रेड ले रहा हूँ मेरा हज़ार मैक्सिमम रिस्क है तीन हज़ार मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है अब मैं हज़ार रुपये के रिस्क में जैसे हज़ार टच हुआ मैं बेचूंगा ही नहीं क्या पता प्रॉफ़िट हो जाए क्या पता लॉस कम हो जाए वो एक हज़ार का दस हज़ार लॉस होगा फिर बेचोगे और प्रॉफिट जब तीन हज़ार आप रखे हो ना टारगेट आप प्रॉफिट तीन हज़ार से पहले बेच दोगे क्या पता दो हज़ार प्रॉफिट में तीन हज़ार ना आ जाए तीन हज़ार के नीचे दो हज़ार के नीचे आ जाए लॉसेज आप बढ़ने देते हो प्रॉफ़िट आप कम में बेच देते हो तो वो साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं मार्केट में उतर रहा हूँ तो मेरे को श्योर शॉर्ट पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि ये ट्रेड में मैं हज़ार रुपये का मैक्सिमम लॉस करूँगा तीन हज़ार का प्रॉफिट करूँगा मे बी वो तीस हज़ार का प्रॉफ़िट हो सकता है बट आपको वो एक, एक वो है ना अब आप समझ लो कि यार बिज़नेस लेके चल लो बिजनेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेडिंग आप इसमें अपना पैसा ट्रेड कर रहे हो बिज़नेस में अपना टाइम और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ट्रेड कर रहे हो राइट इसमें पैसे से पैसे बना रहे हो उसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से पैसे बना रहे हो okay. राइट उसमें आप एक रिस्क लेके चलते हो कि यार अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ ये प्रोडक्ट सौ रुपये का खरीदूँगा एक सौ दस में बेचूंगा और मैक्स मिनिमम उसको नब्बे में बेचूंगा उसके नीचे तो नहीं बेच रहा हूँ मैं उसको अगर कोई डिस्काउंट मांग रहा है या कुछ या लॉस में भी बेचना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट निकल नहीं रहा बहुत टाइम से डेड स्टॉक है तब भी मैं नब्बे रुपये में बेचूँगा उसके नीचे नहीं जाऊँगा ट्रेडिंग भी वही है सौ रुपये में स्टॉक खरीद रहा हूँ 110 में मेरा प्रॉफिट होगा 90 मेरा मिनिमम होना चाहिए 90 के नीचे जाऊंगा तो बेचूंगा नहीं राइट right. तो ये आप अगर लेके चलोगे ना तो 100 परसेंट यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ये मेरे साथ हुआ था ये मैंने ना जब पिछली बार जब वो आया था ना अपना क्रिप्टो का बबल आया था मेरे को भी स्टार्टिंग में क्रिप्टो में बहुत इंटरेस्ट आया समथिंग न्यू कुछ इंटरेस्टिंग था मैंने भी डाला था मैंने भी पैसे बनाए थे बट फिर है ना मैंने तब मेरे को स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था तो तब है ना मैंने बिटकॉइन से तो पैसे कमा लिया बट फिर मेरा दिमाग में आया रिपल से करते हैं आ... कम सस्ता है और ऐसा <laughs> सुनाई दे रहा था कि क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी ना सस्ता हाँ क्वांटिटी तो. भी और ऐसा भी आ रहा था न्यूज भी आ रही थी कि एस मतलब अलग जापान वाले यूज करने वाले हैं बैंकिंग के लिए ये वो यार आप किसी भी नाम पे फैला दो हाँ तो वही कुछ नहीं है वो टाइम में मैं थोड़ा जल चुका हूँ

अगर आज मैं बिज़नेस भी स्टार्ट करूँ जैसे मैं हमेशा ट्रेडिंग को कोई भी मेरे पास स्टूडेंट आता है या कोई यू you नो know, बात करने आता है कि ट्रेडिंग कैसे करना है सबको एक ही इग्जाम्पल लेता हूँ थिंक ऑफ इट एज अ बिज़नेस आप अपने बिजनेस में ये चीज़ करते क्या अगर आप सौ रुपये की चीज़ खरीदते आप बिजनेस में उसको पचास रुपये में बेचते क्या आप नहीं बेचते आप मिनिमम लॉस में बेचते हो तो आप नब्बे रुपये में जाते तो आपको और पता होता कि कोई आगे अगर सौ रुपये का एक सौ दस में खरीद रहे हो तो आप उसको एक सौ दस में बेचते आप वेट नहीं करते कि दो सौ में कोई खरीदने वाला आएगा राइट 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 ये चाहिए क्यों करते हो ट्रेडिंग में आप सौ में खरीद रहे हो आप दो के प्राइस जाने का वेट कर रहे हो हालांकि आपको एक में बेच देना चाहिए तो हाई एक्सपेक्टेशन इन समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं डुबा देता है नॉर्मल एक्सपेक्टेशन आपने बताया फाइव टू टेन परसेंट आपने बोला ना मंथली एक्सपेक्टेशन आप देखो ना पंद्रह दस परसेंट भी लेके चल रहे हो मैथमेटिकली दस महीने में हंड्रेड परसेंट डेट इज कैपिटल इज डबल Which is not possible कोई मैंने 5% परसेंट का लॉस करोगे कोई मैंने दस परसेंट का प्रॉफिट करोगे इन अ ईयर पचास से साठ परसेंट आप बहुत ईजिली बना सकते हो okay. मैं अपना पी एन एल शो करूंगा आपको दिखा हाँ, दुणा. दिखा देना आप हाँ, इसमें दिखा, दिखा आप स्क्रीन शॉट डाल सकते हो हुँ. आ, ये जून मैं जून मंथ का मैं okay. दस लाख के कैपिटल के साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उसमें ओके okay. मेरा मेरा ही अकाउंट है बट कैपिटल इज वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स कैपिटल अच्छा तो उसमें मैंने एट टू टेन परसेंट अभी बना लिया अराउंड एटी एटी वन थाउजेंड दस लाख का कैपिटल है उतना भी बनाने की कोशिश करता हूँ ईजिली इन अ ईयर फर्ट फोर्टी फिफ्टी परसेंट में एक एवरेज रिटर्न लेके चल सकता हूँ एंड वो बना सकते हैं आप और इसमें मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ आज खरीद रहा हूँ तीन चार दिन के बाद बेच रहा हूँ पाँच दिन के बाद बेच रहा हूँ तो मेरे को डेली नहीं देखना पड़ सिर्फ एक बार देख लेता हो हाँ प्राइस मेरे प्राइस के नीचे तो नहीं गया right, वो डेली वाला भी जो होता है इंट्रा वाला वो चीज़ भी मुझे जैसा लगता है एडिक्शन जैसा रहता है मतलब

लग तब लग बोर लग, लग गया वही चार्ट देखना है मुझे पता है वही ट्रेड प्लेस करना है हाँ। वहीं पे स्टॉप लॉस वहीं पे टारगेट बट वही बोरिंग चीज को जब लॉन्ग टाइम तक करेंगे ना उसमें ही पैसे बनता है एग्जैक्टली माई पॉइंट तो ट्रेडिंग को लोग अभी कॉन्सेप्चुलाइज ऐसे कर दिए कि बस सबको ट्रेडर बनना है पंद्रह पंद्रह साल के बच्चों का मैसेज आता है भैया इलेवन ज्वाइन किया इलेवन टेंथ खत्म किया ट्रेडिंग सीखूं क्या मतलब भाई पहले पढ़ाई और जॉब नहीं था तो बहुं बहुं पै, जो पैसे थे तो कोविड का समय जब था उस समय जितने लोगों के इन्वेस्टमेंट थे सब लोग का ड्रॉडाउन चल रहा था ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट दस लाख के इन्वेस्टमेंट पे दो लाख लॉस चल रहा है क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था और वी ट्रेडर्स हम शॉर्ट कर करके पैसे बनाए ट्रेडिंग में अच्छा आई हैव मेड अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट अ मंथ एज वेल क्योंकि मार्केट इतना क्रैश हो रहा था कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले मेरा स्टॉप लॉस एक एक्जाम्पल देता हूँ जैसे सौ रुपये मैंने खरीदा स्टॉप लॉस नब्बे रुपए टारगेट एक सौ है हाँ तो जैसे मेरा टारगेट एक के आसपास चला जाएगा मैं स्टॉप लॉस को नब्बे से सौ कर दूंगा okay. तो अब मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ गया अब सौ भी गिरेगा तो मेरे को कोई लॉस नहीं होता है अब वो 120 से 130 चला गया तो अब मैं स्टॉप लॉस को 110 कर दूंगा दस रुपए का प्रॉफिट तो बन ही रहा है राइट sure. right, हाँ। तो वैसे ट्रेल कर करके मैंने कोविड के समय जब लोगों के पास जॉब नहीं था इन्वेस्टमेंट जैसा आपने बोला इन्वेस्टिंग इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म फॉर श्योर आई ऑल्सो डू इन्वेस्टमेंट्स पर्सनली इन्वेस्टमेंट से पैसे भी अच्छे बने बट एक वो रिकरिंग जो आता है ना वो ट्रेडिंग हर महीना जो आने वाला चीज है हर दिन राइट right. मेरा हर दिन नहीं आता है क्योंकि मैं डेली नहीं करता हूँ आई डू स्विंग ट्रेडिंग एज आई टोल्ड यू अच्छा अब ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आपने डे का या जितना भी आपका हाईएस्ट कितना गया है प्रॉफिट जो आपने डाला है और उससे कमाया और फिर एक लोवेस्ट कितना लॉस उठाया है ठीक है तो इससे कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है हाँ हाँ क्योंकि मेरा कैपिटल और जो प्रॉफिट बताने वाला हो वो थोड़ा धक्का दे सकता है हाँ हाँ. और कोई एक्सपेक्ट ना करे कि सबके साथ ऐसा होगा ओके. ये कोविड के समय का ही बात है कैपिटल अराउंड 15 लाख का था एट लाख हाँ? का प्रॉफिट बना था उस दिन अच्छा तो आप परसेंटेज देख लो क्योंकि एक दिन में जब तीन परसेंट मार्केट डाउन हो रहा है थ्री परसेंट डाउन में आप ऑप्शन देखोगे हज़ार हज़ार परसेंट डाउन होता है अच्छा तो एक मूव कैप्चर करना था बस ओके और मैक्सिमम अगर आप लॉस की बात करोगे तो आई हैव मेड अराउंड फाइव सिक्स लैक्स का लॉस विद अ कैपिटल ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लैक्स क्योंकि वो स्टॉप लॉस कट नहीं हुआ कभी कभी क्या होता है ना आपके प्राइस पे वो प्राइस पॉइंट आ ही नहीं पाता है जंप हो जाता है अच्छा ये कैसा होता है ये क्या होता है देखिए ऐसा होता है ना कि एक आदमी अगर खरीद रहा है मार्केट में तो दूसरा आदमी बेचने वाला होना चाहिए ये टू वे प्रोसेस है हम लोग जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं हम लोग कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं हम दोनों ही हैं मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं दे आर जस्ट अ मीडियम फॉर अस टू कनेक्ट तो अगर उस पॉइंट पे मुझे मान लीजिए सौ रुपये में बेचना है कुछ सौ रुपये में कोई अगर सेलर नहीं हुआ तो कभी कभी स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है वेरी रेयरली बट दिस हैपेंस अच्छा ये हुआ था मेरे साथ कि स्टॉप लॉस स्किप हो गया और विद इन फाइव टेन मिनट्स उतना लॉस हो गया मैं दस मिनट के बाद खोल के देखा इतना बड़ा लॉस है मुझे लगा था स्टॉप लॉस में कट हो जाएगा अगर लॉस होना होगा तो बट देन दैट वॉज मुझे पता था कि यार ये टेक्निकल ग्लिच है विच आई कैन रिकवर ओके तो उतना दुख ही नहीं हुआ कि यार काम नहीं चल पाएगा okay. रिकवर कर लिया आराम से नेक्स्ट कुछ टाइम ऐसा में. कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि यार एक स्टॉप लॉस दो स्टॉप लॉस लगा सके ऐसा कुछ नॉट um, एग्जैक्टली exactly. आप एक स्टॉप लॉस लगाओगे उसी के बेसिस पे आप जनरली वर्क करते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग तरह के ऑर्डर्स आते हैं ठीक है बट मैं जेनरली क्या प्रिफर करता हूँ या तो मैं सिस्टम में एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और कई बार अगर मुझे मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं वो भी नहीं लगाता हूँ अच्छा वो मैं मैनुअली देखता रहता हूँ बैठ के जैसे ही मेरे प्राइस पता है मैं तुरंत सेल कर देता हूँ हाँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के बैठे हो ना स्टॉप लॉस हंटिंग नाम का एक चीज़ होता है अच्छा तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं उनको पता रहता है कि आप क्या चार्ट एनालिसिस की हो सब पता है बड़े प्लेयर्स को कि ये बंदा का यहाँ पे ये चार्ट बन रहा है ये लाइन यहाँ पर बन रहा है यहाँ पे बेचेगा यहाँ पे खरीदेगा तो आपका प्राइस तक तो लेके जाएंगे बट आपका स्टॉप लॉस हिट करा के लेके जाएंगे अगर मान लीजिए आपने सौ रुपये में खरीदा उनको पता है कि हर कोई बंदा वन इस टू तो थ्री का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहा है मैक्सिमम नंबर्स नॉट एवरी तो वो वो नाइन्टी फाइव पे आपका प्राइस लेके जाएंगे सबका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली कट हो गया अब आपका टारगेट एक सौ बीस से वहाँ एक सौ बीस लेकर चल जाएंगे इसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस हंटिंग अच्छा ओके तो इस चीज़ से बचने के लिए कई बार मैं ऐसे बहुत बड़ा कैपिटल होता तो मैनुअली बैठ के देखता हूँ कि भाई मैं उस चीज़ से बच जाऊँ क्योंकि अगर ऑटोमेटिक होना है तो एक सेकंड के लिए वो प्राइज आए ना टक से हट के ऊपर चला जाएगा वो राइट right, ये ये जो रिस्क वाली चीज़ रहती है ना मुझे लगता है ये हमेशा ही रहती है ना ट्रेडिंग में हमेशा रहेगी बट आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रॉग होना पड़ेगा ओके okay. अब पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अगर मैं एक करोड़ कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा हूँ मैं एक लाख लॉस देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तीन लाख प्रॉफिट तीन परसेंट का प्रॉफिट एक ऐसे एक नंबर बता रहा हूँ तो एक लाख का लॉस देखने का भी मेरा हिम्मत होना चाहिए वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर आज मैं एक लाख का लॉस कर रहा हूँ तो कल मैं डिमोटिवेट होके वापस उसको छोड़ू ना क्योंकि मेरे पास सिस्टम बना हुआ है मेरे पास एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है मुझे पता है कहाँ क्या करना है मैंने प्रीवियस पैसे कमाए हैं तो एक लॉस के कारण मेरे को डिमोटिवेट नहीं होना है वो साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके सो भाई देखो मेरा तो ऐसी था कि अगर मैं ट्रेडिंग करने जाऊँ मैं सीख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो मैं अगर पाँच साल भी कर दिया तो भी छठे दिन मैं श्योर नहीं हो सकता हूँ मुझे ऐसा लगता है और वहीं पर अगर जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो कंटेंट क्रिएशन में अगर मैं पाँच छः साल कर लिया तो मेरी बहुत सारी स्किल्स आ जाएगी मेरे पास जैसे वीडियो एडिटिंग आ गई मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई स्क्रिप्ट राइटिंग आ गई दुनिया भर की चीज़ें जिससे मैं आराम से पे कर सकता हूँ समझ रहा हूँ और उसको और ऑर्गेनाइज और करके मैं पैसे कमा सकता हूँ तो इससे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में ऐसा है कि पहली बार तो टाइम मैनेजमेंट सीखते हो आप बहुत क्रिस्ट टाइम मैनेजमेंट ऐसा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा ट्रेडिंग के वजह से आपका कि हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो वेरी इजीली सेकंड थिंग पेशेंस बहुत अच्छे वे में आप पेशेंट हो जाओगे क्योंकि आपको पता है आप बैठ के देख रहे हो चार्ट ऊपर नीचे कब टारगेट हिट हो रहा है नहीं हो रहा है बहुत देखो इसमें ना कोई आप ऐसे टेक्निकल चीज़ नहीं सीखोगे कि यार टेक्निकल एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट वो तो सीख रहे हो राइट बट आप जैसे आपने बोला कि कॉन्टेंट क्रिएशन में मैं आ, वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ मैं थमनेल बनाने के लिए फोटोशॉप सी मतलब कल को मैंने अपनी एजेंसी खोल दी मैंने पूरा ऑटोमेशन पर डाल दिया मैं एक्जैक्टली exactly, आप ये कर सकते हो बट ट्रेडिंग से ये ऐसे टेक्निकल स्किल नहीं सीखोगे लाइफ स्किल्स बहुत सीखोगे रिस्क मैनेजमेंट अब कल को आप ट्रेडिंग कोई अगर आप ट्रेडर को उठाओ और उसको बिजनेस दो कि आप यार तू ये बिजनेस हैंडल कर बिजनेस ग्रो कर और आप एक नॉन ट्रेडर को उठाओ जिसको बिजनेस एक्मेंट ज़्यादा नहीं है बिजनेस का नॉलेज दोनों को ना हो हाल भले ही बट एक ट्रेडर एक नॉन ट्रेडर है आई कैन अश्योर ट्रेडर बहुत अच्छे वे में मैनेज करके उसको प्रॉफिटेबल बना सकता है क्योंकि उसको रिस्क मैनेज करना आता है ही कैन मैनेज द रिस्क वेरी इजिलीली उसको साइकोलॉजिकली इतना पता है कि मेरे को इस पॉइंट पर बेच देना है इस पॉइंट पर मेरे को खरीद लेना है ही इज़ वेरी स्ट्रांग एट दैट पॉइंट टाइम मैनेज करना उसको आता है hmm. तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ स्किल आपको देती है ट्रेडिंग से यह ऐसे टेक्निकल स्किल नहीं आएगा कि वीडियो एडिटिंग में सीख रहा हूँ या ऐसा कुछ बट हाँ लाइफ स्किल आपको जरूर आएगा उससे अच्छा तो चलो मैंने जैसा अपना एजेंसी का एक्जाम्पल या कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं तो मैं दस चीज़ें अलग खोल सकता हूँ तो मुझे लगता है अगर कोई इंसान ट्रेडर बन रहा है तो उसका फ्यूचर क्या लगता है तुमको मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर थोड़ा इतना अच्छा नहीं है तुमको क्या लगता है वो कैसे क्या क्या चीज़ें और आगे जाकर कर सकता है जैसे कि मेरे एक ये भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में आप भी बताना मुझे लगता है लोग ट्रेडिंग से जितना ज़्यादा नहीं कमाते हैं जितने लोग उतना ज़्यादा लोग कोर्सेज बना के कमाते हैं हंड्रेड परसेंट अब देखो उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो एंड आप ट्रेडिंग सिखा रहे हो दैट इज़ अ गुड थिंग राइट मैं लोगों को प्रॉफिटेबल बनना सिखा रहा हूँ मैं पैसे मैनेज करना सिखा रहा हूँ अब मेरे ही प्रॉफिट नहीं बन रहा और मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो वो सरासर स्कैम हो गए बहुत स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में मैंने स्टार्ट किया था ट्वेंटी एटीन में कोर्स एंड प्रोग्राम सब सेल करना ट्वेंटी ट्वेंटी में कोविड का वेव आया तब आप समझ लो उसके पहले हम लोग अराउंड चार पांच लोग ही थे जो ये करवा रहे थे जीने चुने हम चार पांच लोग थे आज के पे आपको हर गली में एक ये मिलेगा बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहे आज खुल रहे हैं दो दिन में बंद हो जा रहे हैं आज खुल रहे हैं छः महीने स्ट्रगल करके बंद हो जा रहे हैं सस्टेन कौन कर पाएगा जो खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा आप बात समझो कि अगर आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ मैं अगर आपको सिखाया आप नहीं बना पाओगे प्रॉफिट आई एम फ्रिटी श्योर क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्टी को आपको वही सिखाऊंगा जब मैं ही प्रॉफिट नहीं बना पा रहा आप भी नहीं बना पाओगे वेरी सिंपल आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे इनको सीखना होगा या कोई थर्ड पर्सन को सीखना होगा आपसे थर्ड पर्सन आके आपको बोलेगा यार ट्रेडिंग सीखना है नीरज से सीख लूँ क्या बोलो कि उससे तो मत सीखना यार वो तो लॉस कर रहा है hmm. वही मैं प्रॉफिटेबल रहा आपको प्रॉफिटेबल कर दिया इसमें भी हंड्रेड परसेंट लोग प्रॉफिटेबल नहीं होंगे कोर्स में hmm. भी अराउंड एटी एटी फाइव परसेंट का एक्सी रहता है हर कोई वो साइकोलॉजिकली नहीं अपने आप को घुस पाता है उतना रिस्क हर कोई नहीं ले पाता है hmm. राइट तो बनाते लोग इससे भी बहुत पैसे बनाते हैं अब मेरा अगर आप पर्सनल देखोगे तो तीन सोर्सेज ऑफ इनकम है मेरे एक ट्रेडिंग से एंड इन्वेस्टमेंट से मेरा पर्सनल आ गया Secondly, ये प्रोग्राम से आया एंड थर्ड सब से आया वी आर विद जरोधा एंजल वन जो ब्रोकर्स होते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द इकमेस्टमेंट सेवेंटी परसेंट फ्रॉम सब तो मतलब ट्रेडिंग से आ रहा है आपका मैक्सिमम ट्रेडिंग से आ रहा है एंड वो मैं आपको भेजूंगा आप तो कोर्सेज से बहुत पैसे बन सकते हैं हमारे थर्टी परसेंट में हम क्यों स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप कराते हैं ऐसा नहीं है कि सौ लोगों का बैच करा दिया दो सौ लोगों का बैच करा दिया तो बनाते बनाने वाले लोग मार्केटिंग का गेम है ये भी आपको अपना सही चुनना है कि मैं अगर सीखना चाह रहा हूँ मुझे इंटरेस्ट है तो मैं कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा यू गेट टू नो देयर पी कि आपका प्रॉफिट क्या चल रहा है बताओ तब मैं लूँगा अगर आप एक कोर्स में मान लो पचास डाल रहे हो कि लोग मुझे सिखाओ पचास हज़ार डालने से पहले उनसे उनका पी ले लो कि आपका प्रॉफिट दिखा दो मैं आपको पचास देता हूँ right. वो अपना प्रॉफिट नहीं दिखा पाए मतलब बहुत लोग मना करेंगे नॉट अलाउड टू शो नहीं करना है वो है ये बिलीव नहीं करना है सो यार कोर्सेज से बना सकते हो मार्केट में एक्चुअली ये भी हुआ है कि कोर्सेज की बहुत ज़्यादा हाइप चली है और लोगों ने ना बहुत अंदाज होना ऐसे ऐसे कोर्सेज बना के बेचे जो वर्थ वाइल है ही नहीं ज़रा भी नहीं उसके जैसे मार्केट खराब हो गया बाकी कोर्सेज अच्छी चीज़ तो होती है सीखना मेरे हिसाब से हम भी कोर्सेज करते हैं अभी आप देखो ना ये तो सी एफ ए ले लो या एफ आर एम ले लो जो भी फाइनेंस रिलेटेड आपके कोर्सेज रहते हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मार्केट के बारे में सिखाया जाता है इतना प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता और आप इंडिया को छोड़ के आप बाहर चले जाओ चाइना जापान यू एस यू के यहाँ पर जहाँ पर मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं इतने नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स है ना कि इंडिया का इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी इतने नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स नहीं है इंडिया में आज के डेट पर जितने आपको यू में ट्रेडर्स मिल जाएंगे क्रिप्टो हटाओ यू स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स अगर कोई एक ट्रेडर है पाँच साल उसने ट्रेडिंग किया उसके बाद वो अपने आप को कैसे ऑटोमेशन मेरे हिसाब से डाल सकता है या फिर मेरे कैसे वो कुछ सॉलिड खड़ा कर सकता है क्योंकि ये तो फिर वही टाइम फॉर मनी वाला गेम हो गया ना और मुझे ऐसा लगता है कि बेटर टू डू समथिंग जिसमें आप एक टाइम बाद टाइम देना बंद कर दो बिजनेस तरफ There's जाओ कॉन्सेप्ट एलगो ट्रेडिंग ओके एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं उसको लोग क्या कर रहे हैं अभी ए का यूज़ करके एम एल एम एल इज मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग का यूज़ करके uh, ट्रेडिंग के सेटअप्स बना दे रहे हैं जो स्ट्रैटेजी उनको पता है मैनुअली वो स्ट्रैटेजी उसमें पुट कर दे रहे हैं कि भैया मेरा इतना रिस्क लेना है इतना टारगेट होना चाहिए एंड मैंने ये एल्गो बना दिया कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय करना है ये दो तीन इंडिकेश, इंडिकेशन हैं जिसके थ्रू तुम बाय और सेल कर सकते हो बना के छोड़ के ऑटोमेट कर दिया कैपिटल डाल दिया अपने आप मार्केट में जैसे उसको इंडिकेशन मिलता है चल रहा है अभी ये पाँच छः साल के बाद की अलग बात है अभी चल रहा है काफ़ी बड़े स्केल में चल रहा है अच्छा पैसे डाल दिए कैपिटल डाला हुआ है उसमें एंड अपने आप जब भी उसको ट्रेड मिलता है वो एल्गो आपका ट्रेड ले लेता है जब प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट जब लॉस मिलता है लॉस एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे वो कर देते हैं तो ये ऑटोमेशन एक हो सकता है विच आई जनरली डोंट प्रीफर माई सेल्फ क्योंकि ट्रेडिंग में ना ह्यूमन इमोशंस बहुत मैटर करता है ठीक है अच्छा हाँ साइकोलॉजिकली आप वो ह्यूमन इमोशन उसको नहीं दे सकते हो एक सिस्टम को या एक मशीन को आप नहीं दे सकते हो सो आई पर्सनली फील एल्गो वाली चीज़ अच्छी है हम लोग भी अभी एल्गो बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं चल रहा है बैक एंड में कि एल्गो कैसे बिल्ड कर सकते हैं अब वो बड़े कैपिटल के लिए अच्छी चीज़ है एल्गो आज मैं एक लाख कैपिटल से एल्गो में जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा वही एक करोड़ या दो करोड़ या दस करोड़ लेके जाऊँगा छोटे फ्लक्चुएशन में तुरंत बाई सेल होकर मेरा प्रॉफिट बन जाएगा अच्छा तो डिफरेंट एलगोज हैं सब लोग अपने business, सब अपने एल्गो निकालते हैं एंड एज अ सॉफ्टवेयर सेल करते हैं उसको वेरी बिग बिजनेस फ्यूचर में ये होने वाला है कि एलगोरिद्मिक ट्रेडिंग एज अ सॉफ्टवेयर सेल करेंगे सबके अपने अपने स्ट्रैटेजीज एल्गो होंगे कोर्सेज़ वाले चीज़ कम हो जाएंगे एंड सब लोगों को ईजी मनी दिखेगा बाय करेंगे इसमें भी बहुत स्कैम्स होंगे आ, अब आपको नहीं पता कि मेरा हंड्रेड परसेंट में से एटी एक्यूरेट है आगे वाले का पचास परसेंट एक्यूरेट है, किसका 20 है। आ, बना के बेचना बहुत छोटी चीज है मार्केटिंग आजकल कोई भी कर सकता है मार्केटिंग करो सेल्स तो, करो इसमें ऑटोमेशन हो सकता है बट इसमें ना कंज्यूमर को स्मार्ट होना पड़ेगा क्योंकि जो बेच रहा है वो तो स्मार्ट है ही तभी बेच रहा है कंज्यूमर को स्मार्ट बनना पड़ेगा कि यार किसका प्रोडक्ट मुझे खरीदना है आज ही मार्केट में आप देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स है यार मतलब एफ में ले लो या कॉस्मेटिक्स में ले लो हजार कंपनियां हैं लाखों कंपनियां हैं आप यूज एक ही का करते हो ना आपको ट्रस्ट है आपको पता है किसका अच्छा है वो रिसर्च करके आप किसी का प्रोडक्ट खरीदो दैट्स गुड अच्छा भाई आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है कुछ दे सकते हैं जो ट्रेडर्स है अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है कौन सी स्ट्रैटेजी वास्ट क्वेश्चन है अच्छा कोई भी मतलब बट मैं लोग यूज करते हैं एज इन आई डू मोस्टली ऑप्शन सेलिंग ओके दो कॉन्ट्ट तीन कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन हेजिंग ओके ऑप्शन बाइंग मतलब ऑप्शन को सीधा आज खरीदा जब भी प्रॉफिट मिला बेचा ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन को पहले बेच के फिर मैंने खरीदा अब इसमें क्या होता है ऑप्शन बाइंग में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वन इस टू तो थ्री होता है ऑप्शन सेलिंग में टू इसलिटी आपके प्रॉफिट का सेलिंग में रीजन क्या होता है एक कॉन्सेप्ट होता है थीटा डी के टाइम डी के एवरी वीक एक्सपायरी होती है आपके ऑप्शन की हर एक ऑप्शन की एवरी वीक एक्सपायरी होती है जब वो जीरो टेंड हो जाता है अगर मेरा उस प्राइस पॉइंट तक नहीं पहुंचा शेयर तो वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा अच्छा ओके okay, ओके okay. तो वो जो जीरो हो रहा है हाँ मैं वो थीटा डीके का फ़ायदा उठा रहा हूँ अच्छा तो लोग बहुत लियर होते हैं कि यार मुझे ऑप्शन बाइंग करना है क्योंकि दस रुपये से सौ रुपये हो जाता है हाँ बट ऑप्शन सेलिंग में बीस का जीरो ही होगा अच्छा वो लिमिटेड प्रॉफिट रहता है ऑप्शन सेलिंग में राइट right? मैं पहले बेच रहा हूँ बीस रुपये में ज़ीरो में खरीद सकता हूँ माइनस में तो हो नहीं सकता बाय कर रहा हूँ तो बीस से हज़ार भी जा सकता है तो ये जो गैप है ना वो बहुत लोगों को इंटरेस्ट दिलाता है कि मुझे ऑप्शन बाइंग करना है बट अब ऐसे पूरा स्ट्रेटेजी बताना वुड भी वेरी वेरी डिफिकल्ट एज़ ऑफ नाउ बट मैं ये प्रेफर करूँगा कि लोगों की ऑप्शन बाइंग मत करो सेलिंग और हेजिंग भी कर सकते हैं हाँ कुछ की पॉइंट्स मतलब बेसिकली उनको जो दे सके अगर वो स्टार्ट कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या चीज़ों पे ध्यान उसको देना चाहिए कोई दो तीन पॉइंट्स में सबसे भी से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लर्निंग आप फ्री सोर्सेज से चाहे लर्न करो YouTube वीडियोस देख लो जरुधा का वारसिटी एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाके पढ़ लो वहाँ से लर्न करो सेकेंड चीज़ है लर्न करने में इनिशियली आप इक्विटी जैसे कैश मार्केट मैंने बोला कि मार्केट वर्क कैसे करता है लोग क्या करते हैं आते हैं जंप करके ऑप्शन बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें भी क्या होता है ना कि किसी किसी का लक इतना अच्छा होता है दस हज़ार डाल के सच में दस हज़ार बना लेते हैं एक बार <laughs> अब वो उनके दोस्त देखते हैं उनका सर्कल दस से दस बनाया वो फिर दस डालते हैं Hmm. बाकी so, लोगों के लॉसेज होते हैं एंड yeah. जिस दिन लॉस होगा उस दिन वो लोग बोलेंगे जुआ है hmm. That's how it works. Ah, right? हाँ. ऐसे है, right. तो आ, यही इसमें लर्निंग होना चाहिए कि मैं ऑप्शन में पहले जंप ना करूं सबसे पहले मैं इक्विटी में आके ट्रेड करना स्टार्ट करूं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं बेसिक आप फर्स्ट डे से ट्रेडिंग मत सोचो अगर आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हो तो फर्स्ट डे से अपन इन्वेस्टमेंट सोचते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करना भी है तो इक्विटी में करेंगे रिलायंस के स्टॉक को पकड़ के ट्रेड किया आज खरीदा आज अगर एक परसेंट बढ़ा या जीरो पॉइंट वन परसेंट बढ़ा जीरो पॉइंट वन परसेंट प्रॉफिट निकालो दस हज़ार से दस हज़ार नहीं बनाना है तो सबसे पहला तो लर्निंग हो गया सेकेंड स्टेप हो गया कि आप इक्विटी में जाए एंड थर्ड स्टेप है टाइम दो सीखने को आप पहला दिन आके सोच तो दूसरे दिन से प्रॉफिट नहीं बन सकता आप आज यार एम बी बी एस करने जाओ इंजीनियरिंग करने जाओ आपको डिग्री चार साल पाँच साल के बाद मिलती है भाई तुम्हारी स्टोरी क्या है तुमने कैसे स्टार्ट किया कैसे तुम ट्रेडिंग में आया कैसे ये सब चीज़ें हुई लाइक आई वॉज बॉन एंड बॉटअप इन उड़ीसा राउल किला टीयर टू सिटी है तो सारी स्कूलिंग वहीं पर हुई थी उसके बाद आई वेंट टू कोटा राजस्थान टू तो प्रिपेयर फॉर आई आई टी ठीक है इलेवेंथ में तो ऐसा था बॉस निकालना ही है वो हो जाएगा मेरे लिए बनाए आई आई टी के स्टार्टिंग में आइडिया लग गया कि जितना एफर्ट्स मैं पुट इन कर रहा हूँ ना उसमें आई तो नहीं हो रहा है एंड जब वो पता चल गया तो एक साल तो बर्बाद हो चुका है एंड मुझे गैप वैप लेना नहीं था वहीं पे एक फ्रेंड था मेरा दिवेश ही इज़ फ्रॉम अ प्रॉपर गुजराती फैमिली फैमिली बैकग्राउंड स्टॉक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टिंग काफ़ी बातें करता था वो स्टॉक मार्केट ऐसा होता है शेयर मार्केट ही होता है और वो एक एज भी होता है ना कि आपको नई नई चीज़ें इंटरेस्ट दिलाती, दिलाती है। आ, है। तो उससे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि यार और मे, मेरे पापा भी मेरे माई फादर इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में एंड नाइनटीन नाइन्टीज से कर रहे हैं पापा मेरे मतलब ही हैज दैट पेपर वाला अच्छा सर्टिफिकेट ऑफ शेयर वो है उनके पास ओके okay. तो मुझे पता था मार्केट स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जैसे माई फादर इज फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड इज अजनस मैन तो बिजनेस से पैसे कमाओ स्टॉक मार्केट में पैसे डालो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रखो एंड उससे जो भी रिटर्न आएंगे वो आएंगे मेरे लिए वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था इन्वेस्टमेंट का तो मुझे इतना पता था अब दिवेश से बात करते करते आइडिया लगा कि यार एक्चुअली मार्केट वर्क कैसे कर रहे हैं मार्केट में चार्ट्स होते हैं इंट्रा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ सीखा उसके बाद कुछ ब्लॉग्स पढ़े राइट उस समय यूट्यूब को भी तो ये नहीं था, नहीं, था नहीं, नहीं था एक दो फॉरन के ट्रेडर्स थे एक बोल के उन लोगों को एक दो जन को फॉलो करता था जो वहां के मार्केट में ट्रेड करते थे बट टेक्निकल एनालिसिस ना ग्लोबल कॉन्सेप्ट है वो मैं इस चार्ट में कर रहा तो सारे चार्ट्स के लिए सेम होगा वो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग है वो भी तो उनको देख देख के सीखा थोड़ी बहुत वो मैंने क्या किया फिर पंद्रह दिन सीख के पैसे डाल दिए दस हज़ार रुपये लेके दस हज़ार को ऑब्वियस सबाते जीरो हुआ कुछ सीखा ही नहीं यार पंद्रह दिन में क्या लर्निंग होती है फिर उसके बाद ट्वेल्व ख़त्म किया फिर पता था कि साइंस तो नहीं करने मैं इंजीनियरिंग आई के लिए गया था फिर आई सर्च इन गूगल की भाई बी के बाद सबसे ईजी कोर्स क्या होता है बी <laughs> कॉम सुनने में खराब लगता हाँ. तो आई वेंट फॉर बी बी ए बैंगलोर में जैन यूनिवर्सिटी हाँ. वहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ क्या था आई गॉट एम्पल ऑफ टाइम और जो ट्वेल्थ एंड कॉलेज के बीच का जो टाइम होता है ना आई गॉट गुड अमाउंट ऑफ टाइम उसमें सीखने के लिए दो तीन महीने सिर्फ लर्निंग की फिर वापस से दस हज़ार कैपिटल डाला एंड तब से अब तक जर्नी इज गुड मतलब कोई वो प्रॉब्लम नहीं आया है कि यार कैपिटल वापस से जीरो कर दिया लॉसेस हुए हैं काफी बट वो जीरो वाला नहीं हुआ उसी वापस से कैपिटल से वापस ग्रो किया फिर बाकी कॉलेज के थर्ड uh, ईयर में आई स्टार्टेड विथ ट्रेंडिड ट्रेडर्स जिसमें जो भी हमारे कोचिंग वाला ट्रेनिंग वाला चीज़ है अच्छा तो कॉलेज so, के टाइम से मतलब करना स्टार्ट स्टार्ट कॉलेज के टाइम में आई थिंक यंगस्टर्स के लिए अच्छा चीज़ है मैंने भी जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो कॉलेज टाइम ही चल रहा था वो एक अच्छा टाइम होता है यू कैन गैम्बल 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 उस समय एज इन टाइम आप कर सकते हो मैं अगर लूज कर गया ना कोई दिक्कत नहीं है मैं कॉलेज में ही हूँ कॉलेज के बाद जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो एक्स्ट्रा तो प्रेशर आ जाता है बहुत प्रेशर मेरे को तो प्रेशर तो तो नहीं था मैंने मज़े में स्टार्ट किया देखते हैं क्योंकि हाँ। कॉलेज में जब मैं ट्रेड करता था ना कॉलेज के समय मैं दो तीन हज़ार महीने के बनाता था ठीक है पचास हज़ार कैपिटल बना लिया था इधर उधर से पापा से लेके इंटर्नशिप्स करके कहीं कहीं से पचास हज़ार कैपिटल बनाया दो हज़ार तीन हज़ार वही आठ से दस परसेंट जो आपको बोल रहा हूँ उतना बनाता था तो यार कॉलेज के टाइम लोगों को अपने हॉस्टल रूम में बैठ के दो तीन हज़ार बनाया हुआ बहुत लगता था सही मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तीन हजार बना रहा हूँ तो कुछ फ्रेंड्स आए मुझे भी सिखा उनको सिखाया वो भी अच्छा करने लग गए धीरे धीरे करके चार महीने के बाद आग, फिर और भी लोग कॉलेज से कि हमें सिखाओ धीरे धीरे करके फिर लोगों का भी खुद आने लगा कि यार तुम अगर ये चीज अच्छा कर रहे हो आग, तो थोड़े से चार्ज करके पैसे आप सिखाओ देन आई टू चार्ज फाइव हंड्रेड रुपीज एट दैट टाइम अच्छा कि चलो आपको सिखाऊंगा पूरा पूरा चीज सिखाऊंगा दो तीन हफ्ते एक महीने मतलब मोटा मोटी एंड पाँच सौ रुपया मुझे दे दो

सिर्फ कंपनी के परस्पेक्टिव से आप देखो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स कर रहे हैं अभी हम लोग अच्छा रेवेन्यू हाँ. हाँ बाकी मेरा पर्सनल ट्रेडिंग पर डिफेंड है अराउंड फोर्टी फिफ्टी लैक्स चल रहा है ओके, ओके, ठीक है ओवरऑल एटी आप एवरेज लेके चल लो सेवन टी एटी वो कोई मन थोड़ा ज्यादा हो जाता है कोई मन बहुत कम हो जाता है एवरेज अराउंड एटी लेके चल सकते हैं एटी होता है तो अराउंड फोर्टी लैक्स अगर आप कंपनी के थ्रू लेके चलो तो पाँच करोड़ के आसपास बनता है फाइव सी ठीक है अच्छा अगर कोई तीन सबसे बड़ी गलतियाँ आपने अपनी लाइफ में करी है एज अ ट्रेडर तो वो तुम शेयर करना चाहोगे कुछ ऐसा है पहला तो जो सीख सीखा नहीं मैंने सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज अ ट्रेडर मैंने बहुत गलतियाँ नहीं की है क्योंकि इनिशियल स्टेज में मुझे लर्निंग अच्छी मिल गई थी मैंने पहले ही उस छोटे एज में दस हज़ार लूज करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी घर पे भी नहीं बोल पा रहा था कि पापा दस हज़ार डुबा दिए पैसे चाहिए वो भी एक नहीं बोल पाते हो आप और ट्रेडिंग की जर्नी मेरी हमेशा सही रही क्योंकि वो आई डोंट नो हाउ वीडियोज़ देखे या बहुत लोग और थोड़ा मुझे लगता है ब्लड में भी है एमएम मारवाड़ी बनिया तो थोड़ा सा वो रहता है रिस्क कि, को संभल के चलना संभल संभल के चलना तो हमें वो रिस्क मैनेज करना आता है मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था प्लस मेरे पापा इन्वेस्टर थे तो थोड़े बहुत उनसे ही बात होती रहती थी कि क्या स्टॉक्स अच्छा चल रहा है क्या चल रहा है तो वो एक ट्रेडिंग के जर्नी में मिस्टेक्स उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं ओके बस लर्निंग एक चीज़ थी कि मैंने पहले सीखा नहीं था एंड इनिशियली मेरे भी हाई एक्सपेक्टेशंस थे Okay. वो भी एक चीज खराब था एक्सपेक्टेशन expectation. सब सब लोग कोई भी फील्ड में जाते हैं लगता है हाई रखते हैं अगर ट्रेडिंग में बहुत हाई रखते हैं हुँ. ये प्रॉब्लम लगता है मुझे डायरेक्टली पैसा अभी भैया मैं आज पैसा डाल रहा हूँ कल क्योंकि ट्रेडिंग क्यों? क्या आज मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ आई में भी तो मैं चार साल के बाद एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा तीस चालीस लाख का जॉब लगेगा राइट ट्रेडिंग में आज पैसे कल पैसे कल चाहिए राइट right. तो ये सब चीज में सोशल मीडिया पे हम मेरे स्टूडेंट्स है कई सारा मैं सोशल मीडिया सिखाता हूँ कंटेंट क्रिएशन सिखाता हूँ तो लोग ऐसी रहते हैं दो तीन वीडियो बनाते हैं और वीडियो व्यूज़ नहीं आते तो थोड़े निराश से हो जाते हैं और मैं उन लोगों को ये हमेशा एनलिजी यही देता हूँ कि यार आप जो डॉक्टर बनने जाते हो पाँच साल देते हो उसके बाद भी मतलब उसके बाद कुछ चालू होता है यहाँ पे तो फिर भी ऐसा है कि कुछ तो चालू हो गया मतलब आप चाहिए तो अभी कंटेंट क्रिएशन करके दो तीन महीने बाद आप कंटेंट राइटिंग एज अ सर्विस देके चालू कर सकते हो पैसे कमाना और तो जो अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वहाँ तो ऐसा है ही नहीं कॉन्टेंट राइटिंग मुझे दो, भी ऐसा था हाँ कि जब इनिशियली कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट किया दो तीन वीडियो डाला कुछ नहीं हो रहा है एक महीने तक वीडियोज डाल रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है यार क्या करना है समझ नहीं आ रहा है वीडियो से तो कुछ काम नहीं चल रहा है कुछ और टेक्निक खोजते हैं हाँ कि ऑडियंस बनाया अपने हाँ फिर जाके दो तीन कंटेंट क्रिएटर से कनेक्ट किया उन लोगों हाँ ने बोला कि भाई ऐसे नहीं होता है हम हाँ एक हाँ 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 साल से कंटेंट बना रहे हैं मजाक नहीं है हाँ हाँ फिर जाके वापस धीरे धीरे कंटेंट हमने मेरे हिसाब से तो 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 आपको भी कंटेंट तो बनाना ही चाहिए आप पता कितना कंटेंट बना रहे हो आप बहुत कम कॉन्टेंट बन रहा है हमारा क्योंकि अभी जो भी मार्केटिंग एंड ऑपरेशन का काम है ना प्लस मेरे पर्सनल ट्रेड पहली बात तो नाइन फिफ्टी थ्री थर्टी फुल्डी थ्री थर्टी के बाद चार पांच घंटे लग जाते हैं मार्केटिंग क्या करना है ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने क्योंकि अगर हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं तो दे गेट द बेस्ट जैसे हम लोग लाइव ट्रेडिंग कराते हैं अब जैसे कि अगर आप कोई कोर्स लेने जाते हो या कोई प्रोग्राम लेने जाते हो आपको सिखा के छोड़ देंगे अब हमारा वन टू वन तो हम लोग लाइव ट्रेड करवाते हैं हमारे साथ मार्केट में बैठा के मैं भी ट्रेड प्लेस करूंगा मेरे मेंटर भी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड स्टूडेंट भी ट्रेड प्लेस करेगा उसका कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस नहीं आता इतना सब करने का आता है यार बट जब पैसे लिए तो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी तो कभी मतलब वो लोग का लॉस होता है तो प्रॉब्लम हुआ ऐसा कुछ तो वही है ना मैं मुझे पता है रिस्क माइनस मुझे कैसे करना है उसको मैंने सिखाया है मैंने मुझे पता है कि भाई इधर बेच इधर खरीद ही डज़ दैट एंड हुए हैं लोगों के भी लॉसेज जो मैंने बताया स्टॉप लॉस स्किप हो गया था वो एक दो लोगों के हुए हैं बट हम लोग जब लाइफ ट्रेड कराते हैं दस हज़ार कैपिटल के साथ कराते हैं तो कितना लॉस होगा पाँच सौ का हज़ार हो जाएगा क्योंकि वो सीखने का फेज़ होगा तीन से चार महीने हम लोग दस से बीस हज़ार से करने बोलते हैं

एक स्ट्रेट माइंडसेट होना चाहिए ये ये करना है ये नहीं करना है तो ये तो पूरा मतलब सब मेरे हिसाब से ये तो हर जगह सेम है हर जगह पे आपकी मैंटैलिटी exactly. ऐसी होनी exactly चाहिए आपको point. एक थोड़ा एक रेस्पॉइंट होना ही चाहिए तो ट्रेडिंग को लोग बहुत अलग लेके चलते हैं उसको अगर इन्वॉल्व कर लो ना सारे बिजनेस के साथ या जॉब के साथ hmm. जो भी आप फ्री कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो तो सिमिलर लगेगा आपको अगर आप भी अपने परस्पेक्टिव से ऐसे देखोगे कि अभी अभी आप जो बिजनेस करते हो आपकी जो जैसे अगर एजेंसी है फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ अ ट्रेड आप अपना प्रोडक्ट सर्विस ही ट्रेड कर, कर रहे हो अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो टू अर्न मनी इधर भी वही चल रहा है एक्जैक्टली exactly. बस रिस्क मैनेज आप यहाँ करते हो यहाँ लगता है कि बहुत बन जाएंगे क्योंकि लोगों ने मैंटेलिटी वैसा बना लिया है अच्छा एक चीज है मेरा भी बहुत सारे ना ये बहुत फैला हुआ है ट्रेडिंग से रिलेटेड स्कैम्स चल रहा है बहुत ज्यादा मेरे भी आईडीज बना बनाए फेक आईडी बनता है वो लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर बोलते हैं कि हाउ इज द ट्रेड गोइंग ऐसा बोल के पूरी हंड्रेड है इसका क्या पीछे का क्या सीन चल रहा है मेरे पर्सनली तीन चार अभी फेक अकाउंट्स बने हुए हैं ठीक है उसमें क्या होता है इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को मैसेज कर रहे हैं हाई हाउ इज योर ट्रेड गोइंग तो मैं थोड़ी मैसेज करूंगा अपने पेरेंट्स को तो उसमें उनका क्या होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं अभी हुँ। आपको पता होगा आई थिंक वो सॉफ्टवेयर में आप अगर मेरे अकाउंट का यूजर नेम डालोगे ना इंस्टाग्राम के पेज का एग्जैक्टली डिप्लिकेट exactly करके सेम यूजर नेम से मतलब डिफरेंट यूजर नेम डॉट लगा देंगे अंडरस्कोर लगा देंगे वैसे करके एग्जैक्टली exactly रेप्लीकेट कर देगा अकाउंट को 200 पोस्ट है 200 के 200 पोस्ट रेप्लीकेट हो जाएंगे हाईलाइट तक रेप्लीकेट हो जाएगा फॉलोअर्स फॉलोअर्स भी आ जाते हो तो अच्छा, हो बाय बाय करते करते हैं अच्छा चल रहा है अभी हर कोई फॉलोअर्स आप देखो अगर कोई जेनुइन नहीं है तो हर कोई बाय कर रहा है अच्छा ओके okay. अभी आप देखना किसी आप आ, सोशल मीडिया वही देख रहे हो इन्फ्लुंसर किसी का आप देख लेना अचानक से आप फाइव के देख रहे हो कल सेवन के टू के दिन में नहीं आता पर वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस मुझे लगता है कोई और बड़ा बनने की क्योंकि 500 तो उसने भाई मेहनत से लाया ना फाइव हंड्रेड के और खरीदते हैं लोग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस आई थिंक तो वो लोग भी वो बाय कर लेते हैं फिर उनके पास एक सेट ऑफ स्क्रिप्ट होता है कि हाउ इज़ योर ट्रेड गोइंग आप हमें पैसा दो मैं ट्रेड करूँगा आपके लिए आप पैसा दोगे वो गायब हो जाएगा एंड मोस्टली इंडियंस नहीं होते हैं ये अच्छा। मैंने अभी लास्ट पकड़ा था एक बंदे को ही वॉज़ अइजेरियन एंड वो क्या करता था वो मुझे बोलेगा कि आप दस हज़ार रुपये दो मैं आपको पैसे बना के दूंगा ठीक है फिर वो आप वो ना एक इंडियन बंदे का अकाउंट रख लिया है मान लीजिए आपका अकाउंट है ठीक है और आपसे पहले पैसे ले रखा है कि पचास हज़ार दो तुमको दस हज़ार बना के दूंगा तो मेरे दस हज़ार आपको भिजवा देगा तो आपने दस हज़ार बना लिए अब मेरा अकाउंट बैंक अकाउंट डिटेल्स उसके पास है अब थर्ड पर्सन को बोलेगा कि आप पचास हज़ार रुपये दो मैं आपको दस हज़ार बनवा के दूंगा मतलब मुझे तो बोल रखा है ना पाँच हज़ार बना के देगा तो उससे पाँच हज़ार मुझे भिजवा देगा तो मैंने पाँच हज़ार बना लिए ऐसे कर कर करके पूरा सर्कल बना लेते हैं ये लोग अरे बाप रे उसका पैसा इसको इसका पैसा, इसका पैसा इसको, इसको इसका पैसा इसको तो एक उनको बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है एंड लास्ट में पेपैल या किसी के थ्रू अपना परसेंटेज हर एक बंदे से मांगते हैं कि आज मैंने पाँच हज़ार कमाया तो मुझे ट्रस्ट हो गया ना यार पाँच हज़ार कमा दिया तीन हज़ार उसको भेज दूंगा मैं पेपाल के थ्रू या जो भी वो पेमेंट मेरे को बोले या करने तो उधर बहुत बड़ा बहुत मेरा तो लग रहा है बहुत बड़ी स्कैम चल रहा है सबसे बड़ी बात यार कमा भी रहेंगे कुछ ना कुछ लोग तो फंसते ही होंगे और वो लोग को भी परसेंट यार मेरे नोन के लोग फंस रहे हैं इतने एजुकेटेड लोग जो देख नहीं पा रहे हैं कि मेरे मेरा फेक अकाउंट है वो फे ये चीज पहले भी मतलब होती थी मतलब कई सकते हो ना मैंने नाम कंपनी का नाम क्या लू। कुछ तो कंपनीस थी लो ऐसी करते थे दो तीन लाख रुपए ले लेते इतना हाँ, दस हजार बीस हजार हर महीने के आएंगे लोगों से लेके आप लोग हाँ उन लोग की पैसे वही घुमाएंगे और फिर एक दिन सारा गायब हो जाएंगे बहुत पुराना स्कैम बहुत पुराना स्कैम नए नए तरीके खोज रहे अभी ऑनलाइन से आ गया अभी ट्रेडिंग चल रहा है तो ट्रेडिंग का तरीका है कल को कुछ और आएगा हंड्रेड परसेंट वो तरीका हो जाएगा इससे पैसे मिले एट द एंड वही मतलब जो भी क्विक मनी के पीछे जाने की कोशिश करेगा

रैट रेस में जा रहे हो जाना पड़ेगा वो प्रोसेस है उसके अलग अलग तरीक़े हैं आज मैं रेट रेस में थोड़ा तेज़ भाग सकता हूँ बट मेरे को रेस में जाना है आज अगर मैं वेन आई वॉज़ ट्वेंटी आई स्टार्ट द कंपनी ठीक है बेसिकली नाइनटीन ट्वेंटी वाले एज में मैंने तब स्टार्ट कर लिया मैं हूँ वही रेट रेस में बहुत लोगों ने कंपनी स्टार्ट की मैं भी वही जॉब सेम टाइम पे करता हूँ मैं आई टेक इट एज अ जॉब कि मुझे काम करना ही है भाई सुबह से शाम तक तो उसको अगर अपना बिजनेस हो तो दिन भर सोऊंगा वैसा नहीं होता है तो आई टेक इट एज अ जॉब एंड मैं भी उसी राइट रेस में हूँ बट मैं थोड़ा फास्ट भाग गया हूँ थोड़ा जल्दी भाग गया हूँ राइट right? तो वो चीज़ को माइंड में लेके चलो कि हर कोई उसी रेस में भाग रहा है किसी का तरीका अलग होता है भागने का कोई स्केटबोर्ड लेके भागता है कोई पैर से भागता है कोई धीरे चलता है कोई जल्दी सब भागता सब है।, है भाग सब रहे हैं सेम सेम रास्ते में भाग रहे हैं राइट इंस्टाग्राम में रील्स देखे होंगे कि ये बहुत सारे लोग भाग रहे हैं यहाँ पे दो लोग हैं ये सक्सेसफुल होते हैं मिलेंगे सब एक जगह होना वही है वो तो ये मैं समराइज करूँगा ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच और कोई फाइनल मैसेज अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो भाई की क्रेडेंशियल्स मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन आप जाके चेकआउट कर सकते हो yes. भाई की कंपनी के बारे में उनके बारे में और अगर आप जानना चाहते हो तो और कोई yeah. भी फाइनल मैसेज तो आप दे सकते हो फाइनल मैसेज यही है कि वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट खाली वही सुबह से लेकर रात तक आपको काम नहीं करना है स्मार्टली वर्क करो एंड जल्दी पैसे कमाने के पीछे मत भागो सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है कोई भी इंडस्ट्री में जाओ मैं खाली स्टॉक मार्केट नहीं बोलता हूँ कहीं पे भी जाओ जल्दी पैसे मत

ठीक है हर चीज़ में मुझे लगता है रिस्क तो हर चीज में, है, हर 100, में 100, रहता है हर बिजनेस में रिस्क रहता है सोशल मीडिया में भी रिस्क रहता है कोई भी चीज़ में आप हंड्रेड परसेंट तो बोल नहीं सकते कि ये करोगे तो हो ही जाएगा exactly. तो ट्रेडिंग में भी वही चीज़ रहती है कुछ चीज़ें अब सबका अपना फायदा अपना नुकसान होता है आपको yes, yes. आ, आप लोग को समझदार होना है आप लोगों को समझना है क्या आप लोगों को सही लग रहा है क्या आप लोगों को गलत लग रहा है वो आप अपने हिसाब से जजमेंट लो है ना और बाकी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने तो मिली है भाई थैंक यू सो मच भाई मज़ा आया अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा इतना स्मूद जाएगी चीज़ें और इतना अच्छे से मेरे को भी समझ में आएगी चीज़ें इट वॉज वेरी नाइस थैंक यू सो मच भाई थैंक यू थैंक यू मैम